देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था अपना MBBS, तो पहला दिन जो था हमारा, हमने उसी दिन एक हिपोक्रेटिक ओथ लिया था, जिसके हिसाब से मतलब इन चीज़ों के लिए हमने पहले साइन किया हुआ था कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कोई चीज़ हो जाए, कोई पैंडमिक हो जाए, कहीं पे एपिडेमिक हो जाए, तो हमने एक ओथ लिया था कि हम सबसे पहले उसके लिए खड़े होंगे, और इंशाल्लाह खड़े भी हैं और आइंदा खड़े भी रहेंगे उसके लिए। कोविड जब से आया है तब से काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है, और ऊपर से पेशेंट्स भी काफ़ी आने लगे, और ऊपर से खतरा रहता है, कंटिन्यूसली खतरा रहता है मतलब इन्फेक्ट होने का। सबसे बड़ी मुश्किल जो है, इट्स नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल इज डेजिग्नेटेड एज अ कोविड हॉस्पिटल राइट नाउ। फॉर एग्जांपल हमारे SMHS के कुछ वार्ड्स और CD हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स जो है वो हर हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। खौफ में तो हर कोई मुबतला होता है, कोई बोलेगा कि मुझे खौफ नहीं होता तो आई डोंट थिंक ही इज टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। हम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी हैं खुद वार्ड्स में कि इंसान को कभी कभी खौफ हो जाता है, और जब खुदा ना खास्ता कोई खुद इन्फेक्ट होता है, जो हमारा फेलो इंटर्न इन्फेक्ट होता है, फिर जब हमने जो चीज़ें खुद आंखों से देखती है, फिर लगता है कि खुदा ना खास्ता ये चीज़ें हो सकती है कि हमें भी हो। रोटेशन पे चलता है, मतलब किसी की तो एक महीने मंथ तो भी, फिर मतलब कुछ 10-15 दिन ऑफ होंगे, उसके बाद फिर से कोविड ड्यूटी स्टार्ट होगी। मतलब ऑलमोस्ट मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक कोविड की वेव चल रही है तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी, तब तक हमें ड्यूटी देनी है। मेरी प्रेजेंटली पोस्टिंग बोन एंड जॉइंट बरजोला ऑर्थोपेडिक्स में है, तो बिफोर एडमिटिंग द पेशेंट्स देयर वी डू अ रैपिड एंटीजन टेस्ट बिफोर एडमिटिंग द पेशेंट्स। अगर ऐसा होता कि कोविड पेशेंट सिर्फ यहाँ उस CD में होते, तो हम वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट पहले नहीं करते। सो फर्स्ट मुश्किल ये है कि इररेस्पेक्टिव इंटर्न्स कहाँ पे पोस्टेड है, वी आर एक्सपोज टू कोविड पेशेंट्स एंड एज इक्विवेलेंट एज द सीनियर रेजिडेंट्स देयर। घर जाते हैं हम, इतना ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दैट आवर पेरेंट्स मे गेट इन्फेक्टेड, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमारे पास कोई एकोमोडेशन है नहीं। मैं एज अ डे स्कॉलर हूँ, तो मुझे घर जाना पड़ता है, सो इट्स ऑलवेज कि मुझे खौफ रहता है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता मेरी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्ट ना हो, इतनी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, क्योंकि यू नेवर नो, आपको कुछ पता नहीं है, यू आर इतना ज़्यादा आप एक्सपोज होते हो इन चीज़ों से कि आपको कभी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जी, एज ए इंटर्न डॉक्टर यहाँ पे GMC श्रीनगर या किसी जम्मू कश्मीर के किसी भी हॉस्पिटल में, अगर आप इंटर्न डॉक्टर्स की बात करो तो 12,000 मिलती है, 12,000 यहाँ पे मिलती है GMC श्रीनगर, स्किम्स और GMC जम्मू में, और एसकॉम्स मिलती है 6,000 मिलती है एसकॉम्स में, जो कि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब उसका हाफ भी नहीं है, मतलब जितना हमें मिलता है। जो मतलब हमारे घर वाले हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही, वी आर कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड, तो उसके बाद हमें घर जाना पड़ता है, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अभी एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो 120 आर फ्रॉम हेयर GMC श्रीनगर, उसके अलावा हमारे कुछ बरादरान इंटर्न्स जो है वो स्किम्स मेडिकल कॉलेज से भी है, कुछ GMC जम्मू से भी है, कुछ एसकॉम्स जम्मू से हैं, उसके अलावा जो हमारे जो FMGs है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, वो भी करंटली इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन्फेक्टिविटी की बात करें तो यूजुअली 40 to 50 इसी अराउंड में कुछ अभी जो इंटर्न्स हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, और कुछ लोग तो है वो दूसरी बार ही इन्फेक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन दैट हैज़ नॉट डिटर्ड अस, उसने हमें कभी कमज़ोर नहीं किया है। एक बार हम रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद हम अपनी ड्यूटीज़ को वापस चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैव साइन फॉर। 12,000 बस ट्रैवल एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाते हैं हमारे। आप अगर बात करोगे किसी को मतलब पोस्टिंग जाना है, मतलब GV5 हॉस्पिटल है या ऑब्सगैनी हॉस्पिटल है जो LD है हमारा, वहाँ पे मतलब ऑटो के एक्सपेंसेस ही इतने हो जाते हैं कि 400 पर डे, जो मतलब मैनुअल लेबर के भी कम कंपैरिजन में बहुत कम है। फर्स्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हम फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जिनने आउटसाइड इंडिया से MBBS कंप्लीट किया है, तो हमें यहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है दैट वी वोंट बी पेड एनी स्टाइपेंड, सो वी आर नॉन पेड इंटर्न्स, मतलब इन शॉर्ट हमें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। जो GMC के लोकल इंटर्न्स है या एसकॉम्स के, तो उनको स्टाइपेंड मिलता है, तो चलिए वो दैट इज़ अ रूल वी हैव टू फॉलो दैट, इसीलिए हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। अदर फैसिलिटीज़ जैसे चलिए हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम पे ये गाउन और ग्लव्स मिलते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप कोविड वार्ड में जाइए, दे आर प्रोवाइडेड विद आई वुड से बेटर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। एक बाजाबता एक PPE किट मिलता है उनको, फेस शील्ड मिलता है, गॉगल्स मिलते हैं, ग्लव्स मिलते हैं, जो कि प्रोवाइड होना चाहिए हर जगह इस वक्त। शुक्र अल्लाह का कि एक चीज़ ये थी कि मेरा जो फ्रेंड है वो पॉजिटिव हुआ था, जो कॉन्टैक्ट था, तो मैंने फिर टेस्ट करवाया तो मैं भी पॉजिटिव हुआ, तो उस वजह से मैं आई वॉज कि
टाइम पे मैंने प्रिकॉशंस ली, टाइम पे मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, तो उसकी वजह से जो मेरे पेरेंट्स थे, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, वो बच गए इस चीज़ से। अगर हम इंटर्न्स की बात करें, यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर में ही बात करें, मतलब ऑलमोस्ट 120 to 130 इंटर्न्स हैं हमारे यहाँ में जीएमसी श्रीनगर के जो हैं, उनमें से 30 to 40 इंटर्न्स लास्ट 2 months में पॉजिटिव आए हैं, जिनकी फैमिलीज भी अफेक्ट हुई हैं। और हमें एकोमोडेशन मिलनी चाहिए अलग से, जैसे कि लास्ट ईयर रेजिडेंट्स को मिलती थी, जो पीजीज हैं उनके लिए अकोमोडेशन। मुझे तो हैरत हो रही है, लास्ट ईयर की वेव इससे कम इंटेंसिटी की थी, तब जब अकोमोडेशन इनको प्रोवाइड की गई थी तो आज क्यों नहीं, इंक्लूडिंग द इंटर्न्स, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हम ड्यूटी देके घर जाते हैं, तो हम तो एक्सपोज्ड है ही, बाद में सब घर वालों को भी एक्सपोज्ड करते हैं। जो नॉर्मल जो इंटर्न की स्टाइपेंड की अगर आप बात करो यहाँ पे, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर गेटिंग 12,000 पर मंथ एज एन इंटर्न, वी आर गेटिंग 12,000, जबकि रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो एमपी में हो, दे आर गेटिंग 20,000 एंड सम आर गेटिंग 35,000। अभी रिसेंटली कल ही एमपी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिनमें उनके इंटर्न्स की जो स्टाइपेंड है वो हाइक हो गई 35,000 एंड प्लस इंसेंटिव्स। एंड अगर हम बात करें दिल्ली की, जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे J&K भी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे 4,000 रुपीज़ पर शिफ्ट मिलती है एज एन इंटर्न को, ठीक है, एज एन इंसेंटिव, एंड उसके अलावा 23,000 जो उनका जो बेसिक स्टाइपेंड है। हमारा जो स्टाइपेंड है 12,000 रुपीज़ है, उसके अलावा अभी नोटिफिकेशन जो जारी की थी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उसमें उन्होंने बोला था कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, लेकिन उसमें कोई भी जिक्र इंटर्न्स का कहीं पे नहीं था, पहली चीज़ वो। उसके अलावा आप एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, एकोमोडेशन भी कोई कुछ नहीं हमें नहीं मिला है, ना तो हमारी स्टाइपेंड हाइक हो रही है, ना तो हमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, और ना ही तो कोई हमें एकोमोडेशन मिल रही है जी। उसके बाद हमने लेटर भी लिखी थी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी लेटर गई थी वहाँ पे गवर्नर ऑफिस से, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। हमने बहुत कोशिश की मीडिया के थ्रू, हमने कोशिश की उनको मतलब बताने की हमारे इश्यूज़ क्या है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी तो फिलहाल हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, हमने इससे पहले भी खतूत लिखे थे, उसमें भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद हमने खुद का एक तो श्री अटल डुल्लू साहब उनको भी लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको भी लिखा, हमने लेटर लिखा, लेकिन अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया है। हालांकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे जीएमसी की, हमारी जो प्रिंसिपल मैम है और हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं, उन्होंने भी एक खत लिखा था उनको, जिसमें उन्होंने उनको कहा था कि इंसेंटिव्स दिए जाए, इनको इंक्लूड किया जाए इसमें जो इंसेंटिव लिस्ट आया है, लेकिन उनको भी अभी तक कोई जवाब उसका नहीं आया है। यू हैव टू डील 24/7, यू हैव टू डील विद कोविड पेशेंट्स, the chances of getting covid is very high. Our consultants, our residents, they have been very supportive to us, because hum jab nikle the to hum mbbs just mbbs pass outs the, jo hum nikle the hame utna zyada jankari nahi thi is environment ki jitna honi chahiye. Our residents were very supportive to us, unhone hame help ki jahan pe hame problem hui unhone help ki, resident jo hamare jo consultants wagera the unhone help ki, bola ki jis cheez pe hame aapko difficulty ho aap hamare paas aaya karo, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया काफ़ी सारी चीज़ों में। रिसेंटली न्यूज़ में आया कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है तो टू एवरी हेल्थ केयर वर्कर, बी इट सीनियर रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग द एंसिलरी स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, स्वीपर्स, नर्सेस, यहाँ तक कि स्वीपर्स और ड्राइवर्स, दे आर द एंसिलरी स्टाफ, मतलब उनकी भी ड्यूटी बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, दे आर इक्वली एक्सपोज्ड, तो उस सब में सिर्फ और सिर्फ इंटर्न्स को ही क्यों एक्सक्लूड किया गया? अब हम रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जो जीएमसी की है उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला हम आपका सपोर्ट करेंगे, अब देखते हैं वो सपोर्ट करते हैं या नहीं, लेकिन हमने कल भी एक लेटर भेजी थी गवर्नर ऑफिस पे, अब देखते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है।